हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे आलू और प्याज की क्रिस्पी पकौड़े। इसको बनाना बहुत ही आसान है और आवाज़ तो आपने सुनी ली होगी कि कितने क्रिस्पी हैं ये। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो आलू और चार बड़े प्याज लिए हैं। हम इनको बिल्कुल बारीक काट लेंगे, एकदम स्लाइस कर लिया मैंने, पतले पतले काट लिए। और आलू को हम कद्दूकस करेंगे। बारिश के मौसम में पकोड़े खाने का अलग ही मज़ा है। बस इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, एक बाउल में डाल के सारा पानी निचोड़ लेंगे और एक बाउल में डाल लेंगे। बिल्कुल अच्छे से हमने पानी को निचोड़ लिया था। और इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे जो हमने स्लाइस काटे थे प्याज के। थोड़ी सी हम दरदरी कुटी लाल मिर्च डाल देंगे, सूखी मेथी डालेंगे, कसूरी मेथी ली है मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और धनिया डाल देंगे दरदरा कुटा हुआ, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, दो से तीन हरी मिर्च डाल देंगे और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे। और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। और इसके अंदर हम दो चम्मच बेसन डालेंगे और एक चम्मच चावल का आटा डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिलाते रहेंगे इसको। बेसन की कोट को हम बिल्कुल कम ही रखेंगे। तो एक चम्मच और बेसन डाल लेंगे हम। इसमें मैंने चार चम्मच बेसन के डाला है और एक चम्मच इसमें मैंने चावल का आटा डाला है। बस बैटर बिल्कुल रेडी है। ऑयल गरम कर लेते हैं और इसके ऑयल को हम चेक करेंगे। थोड़ा सा बैटर डाल के देखेंगे कढ़ाई में। तेल अच्छे से गरम है और सारे पकौड़े तल लेंगे हम। बस 2 मिनट तक हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। हाफ फ्राई करेंगे सबसे पहले और इसको निकाल लेंगे। ऐसे ही हम दोबारा से पकोड़े तलेंगे। सभी पकोड़ों को हम तल लेंगे। पहले हम इनको हाफ फ्राई करेंगे। और इनको भी हम निकाल लेते हैं। और अब हम दोबारा से इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। दो तीन मिनट के बाद बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे ये और बिल्कुल रेडी हैं ये। अब हम इनको निकाल लेते हैं। सभी पकोड़ों को हम ऐसे ही तल लेंगे। एकदम क्रिस्पी हमारे पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं। आप एक बार इसको ज़रूर बना के देखिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू।